हेलो फ्रेंड, मैं किंजी पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नया मूवी अभी जो एक तेलुगु इंडस्ट्री में आया है, जाति रत्नालु, वो बहुत ही हिट चल रहा है। थिएटर में उसको पसंद कर रहे हैं, आदमी लोग जा रहे हैं थिएटर, फिर से हाउसफुल नजर आ रहा है, हंस के पागल हो रहे हैं। एंड हम ये मूवी से रिलेटेड जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो वो भले ट्रेलर हो, ट्रेलर लॉन्च हो, और उसके बाद का भी जो एक मेकिंग का वीडियो था वो भी बहुत एक्चुअली मजा भी आ रहा था देखने के लिए, क्योंकि उसमें भी भर भर के कॉमेडी ही था पूरा। तो दोस्तों, एक अभी एक वीडियो आया हुआ है जिसमें कुछ कुछ कॉमेडी सीन्स ये मूवी से छोटा छोटा जो भी क्लिप्स है वो मिला के एक वीडियो है। तो हमने सोचा है कि क्यों ना उस पर भी अपना रिएक्शन दें। जब हंसने का दौर चल रहा है तो क्यों ना ये मूवी का जो भी अच्छा अच्छा सीन्स है, कॉमेडी सीन्स है, वो देखिए और हम एंजॉय करें और आप हमारे साथ आप भी एंजॉय करें। तो दोस्तों, ये देरी नहीं करते हैं, ये जो सीन है रत्नालु में, बहुत सारा सीन्स हो सकते हैं। अब क्या एक्सपेक्ट करना है मालूम नहीं दोस्तों। इसमें हम जो ट्रेलर में एक दो कुछ कुछ सीन देखे थे, या तो वो या उसके अलावा भी कुछ अगर देखने मिला तो हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये देरी नहीं करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमको ऐसी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आइए, ये जो भी क्लिप्स है, कॉमेडी क्लिप्स है, वो देखते हैं। సంగారెడ్డి జోగిపేట్ మొత్తం కంట్రీలో ఎంత పర్సెంట్ యూత్ కి జాబ్స్ లేవో మీకు తెలుసా ఎవరన్నా చెప్పు. దట్స్ నాట్ మై జాబ్. బాధించడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా? మేమే బాధించుకుంటాం ఎవరన్నా. తీర్పుకోడు మీరే ఎంచుకుంటారా? రే మన వెళ్ళి ఇక్కడ విడిపోతాం. విడిపోతాం. नंबर्स देख रहे हैं, 420 डबल रोशनी के दिल में तमन्ना समानता और रश्मिका रश्मिका तीनों मेरे साथ में है। हीरा हीरा तो चेंजेस कर रहा तमन्ना जो हमारे दिल में रखा है करी दिस का समा मांगे जाप करी चला ने नड़िया जाते रत्ना रा पिक्चर पिक पावर में मत ब्रेन में मत ब्रेन लेदा मत पावर लेदा जेल का सीन था, पूरा ओवर एक्टिंग देखना उनका।
वो जो उनको जो लेके आया था 200 210 420 840 लेके आया था, फिर सब डेला डाला था ऐसे हो रहा है बेस्ट पैच था उनका किस योजना अच्छा था अच्छा। और बहुत ही खुशी लगा देख के कि ब्रह्मानंदन सर है, बहुत दिन तो वो काम नहीं कर रहे हैं, नया मूवी में उनको देखने मिल रहा है, हो सकता है नए लोग हाँ प्रॉमिस किए होंगे तो अच्छा लगा। पूरा यूनिट ही दिखाएंगे ना सब नए। हाँ करेक्ट करेक्ट ये सीन तो होप मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारा सीन और होगा। सर आपको पता है कितने लोग जॉबलेस से बाहर कितने लोग हैं? दैट्स नॉट माय जॉब कितने लोग हैं ये मेरा जॉब नहीं है और अच्छा लगा उनको भी देख के तानी के ना बन्नी जी को देख के। एक्चुअली वो जब सीन सब देखता हूँ ना वो ऐसा हीरो थोड़ा सा कार्टून टाइप्स रहते हैं एंड फिर वो जो बहुत पुराने अच्छा कॉमेडियन जब ऐसा साथ में रहता है जो इम्पोरिन वगैरह मुझे हमेशा अंदाज अपना अपना याद आता है। उसमें जो उनका जो कॉम्बिनेशन था सलमान खान एंड आमिर खान का उनके पिताजी लोग के साथ मुझे वैसे ही सब सीन याद आता है। उसमें जो बेटे लोग जो घपला करते हैं या जो भी यंग है हीरो वो पुराने जो कॉम्पिटिशन के साथ जो उनका रहता है बड़ी मस्त रहता है देखने, मुझे वही याद आ रहा था अभी देखने से क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे को तानी का बन्नी जी मुझे जो हमने अतुड़ू में जो सीन किया था मुझे वो याद आ रहा था, बहुत हंसे थे। एक्चुअली क्यों और याद है बोलते जब वो ब्रह्मा जी को देख लिया उसमें बोलते ना आपके पास पावर है हमारे पास ब्रेन है, मेरे पास ब्रेन नहीं है हमारे पास पावर नहीं है। अरे वो बहुत अच्छा है ना नेचुरल एक्टिंग है इसका, नवीन बोल रहा है टू गुड यार वो बोलने का स्टाइल भी ऐसा कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है बड़ी मुझे भाई लाइक मतलब ओवर एक्टिंग ज्यादा खराब हो सकता है करेक्ट। ओवर एक्टिंग करना ही खाली है मतलब कॉमेडी के लिए अलग हो जाता है वही बहुत अच्छा एंड उनके साथ जो फ्रेंड फ्लूइड थे एक्चुअली उनका परफॉर्मेंस काफी मतलब आराम से कर रहे थे मिल जा रहा है ना आपका कैरेक्टर बताओ लग ही नहीं रहा कि कुछ एफर्ट डाल रहे हैं। अच्छा लगा ये देखने के लिए। यार जो साइड में जो दो एक्टर थे वो भी बहुत जबरदस्त थे यार, वो सरफरिश वाला मामा ये मामा मुझे पता नहीं क्यों रहा उनका शायद कोई एक कहीं और भी सुना हुआ पता नहीं क्यों रहा मुझे याद नहीं आ रहा। एंड वो जो मैं आउटर स्टेशन बोला तो पुलिस स्टेशन क्यों सुनाई जा रहा है आदत के जब भी फोन कर बहुत बिजी में बाहर आए जेल में वो तो अच्छा सीन सब होगा मुझे मैंने आप ऐसा देख के लग रहा कि वो लोग गलती से फंस गए हैं उनके घर वाले तो नहीं मालूम है ये लोग जेल में है बोल के नहीं कुछ ट्राई कर रहे पैसा कमाने का वो कुछ पैसा का दिखा रहे थे ना 500 करोड़ कुछ तो हुआ है वो सब में सकल 5 रुपए का नहीं दिख रहा उनका जो औकात जो दिख रहा है उसमें अच्छा वो लड़की का नाम जानने का कोशिश कर रहा था अलग अलग नाम बोल रहा था लास्ट में चंपा बोले तो चंपा पागल था और एक वो फ्रेंच वाला विद इंग्लिश सबटाइटल्स वो अच्छा ही था नहीं क्या एक और भी सीन अच्छा था वो जो तीनों डिसाइड करते हैं ये नहीं वो नहीं डिसाइड नहीं वो बोलता है आज तो कुछ भी हो जाए चाहे हम तीनों में से किसी एक का जान जाए लेकिन और दोनों को बचना चाहिए तो दोनों सोचते कि वो खुद मरने वाला है तुम उसको देखते तुम्हें थोड़ा डिसाइड कर लो वो अच्छा था तीन सौ यार फिर वो दौड़ के जो जाते हैं कोई पीछे कर रहा है तो कहाँ जाए मेरे तरफ से नॉर्थ जाना है वो देखते देखते लेफ्ट एक राइट पा रहा है अच्छा होगा मुझे ऐसा लग रहा कोई कमेंट में लिखे भी छोटा छोटा ये सीन्स है पूरा मूवी में क्या होगा मूवी करेक्ट कर माने ऐसे ही लग रहा है बस कॉमेडी होता है क्योंकि कुछ कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख भी रहे हैं कि जबरदस्त स्टार्ट से एंड तक खाली कॉमेडी है। इवन कुछ कुछ हमारे सब्सक्राइबर जो व्यूअर्स हैं वो लिख भी रहे हैं कि वो लोग भी बहुत हंसे हैं वहाँ पे थिएटर में उनका अच्छा मौका मिल गया है कोविड से के बाद एक अच्छा मूवी देखने के लिए मजा आया दोस्तों आपका। अगर फिर से जो भी नए लोग जो भी देखे हैं
ये मूवी हमको जरूर बताएगा कैसा है। एंड आई गेस ये कुछ ही दिनों में OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम में आने वाला है, तो हम ट्राई करेंगे इसको देखने के लिए, और होगा तो कुछ कुछ इसका सीन्स भी हम आपके साथ शेयर करने ट्राई करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, बहुत मजा आया देखने के लिए, जितना भी सीन्स था बहुत अच्छा लगा देखने के लिए इसको। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।